थैंक यू वेरी मच श्री राजीव प्रताप रूडी जी। इस बार का बजट जब मैं देख रहा था, कई बार पिछले 20-25 साल से दोनों सदनों में बैठने का हमें मौका मिलता रहा और बजट को देखने का मौका हमेशा मिलता रहा, और हर बार बजट मिलता था शाम के टीवी इंटरव्यू पर जाते थे और उसके बारे में चर्चा करते थे। लेकिन इस बार के बजट में निर्मला जी ने एक भिन्नता दी है, और शायद मेरे ख्वाबों में हमेशा होता था कि कभी इस प्रकार का भी बजट देश में आएगा जो ये गाड़ियों में टैक्स छूट दिया जा रहा है, फलाने में छूट दिया जा रहा है, ये घर वालों को छूट दिया जा रहा है, और एक ऐसा बजट आएगा जो सच में फ्यूचरिस्टिक हो, सच में विजनरी हो। ऐसा नहीं है कि पिछली बजटों में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार के बजट में मुझे निश्चित रूप से लगा कि एक देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नेशनल मास्टर प्लान मुझे इस बजट में दिखा। आपको सुन के ये अजीब लगेगा और मैं इसके तर्क के साथ पहुंचूंगा कि क्यों मुझे ये फर्क लगा। हम औसतन इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, सनराइज अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और बजट में लगभग पूरे बजट डॉक्यूमेंट को देखा जाए तो 100-150-200 चीजें हैं, 200 विभाग हैं। लेकिन अगर मात्र इसमें तीन विषयों पर आज बोलूंगा, और ये तीन विषय महोदय अगर आप मुझे समय देंगे तो इस पर चर्चा की गई गति की। 5 मिनट्स व्हाट वेन एवर यू आस्क मी आई विल सिट डाउन, लेकिन यू आर प्रेम चंद्रन, प्रेम एंड चंद्रन, सो यू कांट बी सो crude and harsh to me. So I have just started, that is not to be included. अभी हमारे एक अभी सर्वानंद सोनोवाल साहब गए थे, उन्होंने एक उद्घाटन किया अभी 6 दिन पहले, पिछले रविवार को, 4-5 दिन पहले, और एक कल्लू घाट नाम का एक टर्मिनल है जो गंगा पर था। मेरे जिला में बहुत चर्चा हुआ और मैंने तब ख्वाब देखा कि साहब हम तो वर्षों से सोचा करते थे कि हमारे उस देहाती क्षेत्र में जो साग सब्जी है, जो फल है, आजकल बिहार में ड्रैगन फ्रूट बहुत होने लगा है, तो कल के तारीख में ड्रैगन फ्रूट अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो, न्यूजीलैंड जाना हो, जहां उसकी बहुत मांग है, तो खाकिर कैसे जाएगा? तो उस गंगा किनारे कल्लू घाट के टर्मिनल से निकलेगा, वहां से होते हुए गंगा का बंदरगाह कलकत्ता तक जाएगा, वहां बड़े जहाज़ों में लद करके, रेफ्रिजरेटेड जहाज़ों में लद करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएगा। तो ये बड़ा अजीब सा सपना पहले होता था, लेकिन देश की सरकार ने इस प्रकार की रचना की है कि यह सच होता दिख रहा है और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं। कई लोगों ने बैठ के यहां समझाने की कोशिश किया रोजगार के बारे में, तो पता नहीं सब लोग अपने अपने से अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ज्ञान दिखाते हैं या ज्ञान की बात करते हैं। बजट है 39 लाख करोड़ का, GDP का बढ़त है 9.2%, फॉरन रिजर्व है 634 बिलियन US डॉलर्स, और चौथा दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व हमारे भारत में है। एक्सपोर्ट 650 बिलियन का है, लेकिन ये सब मानक होने के बाद भी जो अर्थशास्त्री को ये कहे कि इसमें रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और कहाँ के अर्थशास्त्री हैं, ये मेरे समझ के बाहर हो जाता है। अगर मैं इसी छोटे से घाट की बात करूँ और देश की सरकार की चिंता के बारे में बात करूँ, तो भारत में जो गंगा नदी है वो 2500 किलोमीटर के आसपास है, और तुलनात्मक तौर पर अगर राइन जो यूरोप का एक नदी है जिसकी 1200 किलोमीटर दूरी है और गंगा 2590 किलोमीटर है, और 1815 में किसी ने एक संधि किया जिसे ट्रीटी ऑफ वेना कहते हैं, और राइन रिवर पर आज नेपोलियन जिस समय फ्रांस में जब डिफीट हुआ था उसके बाद यह संधि हुई, और गंगा का तो कैचमेंट एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, राइन का 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और महोदय इस राइन नदी में, गंगा में तो मुश्किल से 100-200 बोट या टगबोट चलते होंगे, राइन में जो इन 4 देशों में स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इसके बीच का एक राइन है जो गंगा से भी छोटी नदी है, उसमें एक वर्ष में 7000 वेसल्स चलते हैं जिसमें बार्जेस चलते हैं, और भारत के सभी पोर्टों की कैपेसिटी 610 मिलियन टन है जो समुद्र से सामान उतरता है, और इस नदियों से सामान पहुंचाने की कैपेसिटी 310 मिलियन टन है। तो किसी ने उस समय सोचा था, दूरदृष्टि थी, और आज की सरकार भी जब हमारी बात करती है तो इसी प्रकार की बात करती है। मैं इसको आगे अगर बढ़ाना चाहूंगा तो इस बार के बजट में निर्मला जी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, और पूरी दुनिया आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है,
मैं बहुत सारे विषयों को छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर राष्ट्रीय उच्च पथ में अगर 25,000 किलोमीटर सड़क की बात कही गई है तो राष्ट्रीय उच्च पथ का तो निर्माण होता है, लेकिन देश में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण होगा तो उसके ऊपर एक पुल होगा, इतना बड़ा बड़ा पुल होगा। और उसका उदाहरण भारत में देहरादून से हरिद्वार के बीच में अगर आप यात्रा करेंगे तो नीचे नदी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बड़ा पुल है। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों है, तो कहा कि राजा जी नेशनल पार्क में दोनों तरफ जंगलों में जाने के लिए हाथियों का रास्ता छोड़ा गया है, देश की सरकार सड़क बनाते समय हाथियों के भी रास्ता का मार्ग छोड़ती है। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, हर बार हम लोगों का डेट बढ़ता जा रहा था रोड बनाने में, और 2014 से लेकर के अभी तक 14 गुना हमारा डेट हो गया राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण में। लेकिन हमारे बोरिंग इस बार सरकार ने क्या किया, बजटरी सपोर्ट 65,000 करोड़ का दिया और 65,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया, पूरा 100% देश की सरकार। और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करती है, क्योंकि अगर भारत की सरकार इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 2.45% है, अगर राज्य सरकार करती है तो 2% ट्वाइस है, और अगर रेवेन्यू से हम कहते हैं सैलरी से करते हैं तो इट इज 0.99। तो पहली बार भारत की सरकार ने, और इसीलिए निर्मला जी आपने जब बैठ करके निर्णय लिया होगा तो जब चुनाव हो रहे होंगे तो ये बड़ा कठिन निर्णय था, 2020-21 में 4 लाख करोड़, 21-22 में 5.5, और इस पर 7.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भारत ने इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कभी नहीं देखा था, और मैं बधाई देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत करके देश में अगले 100 साल के लिए आपने इतना बड़ा निर्णय लिया। तो कई लोगों ने टिप्पणी की विजन तो इस वर्ष 25 साल का है। साहब, मैं विजन पर ही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। विजन क्या होता है और देश चलाने वाले का विजन क्या होता है, मैं इतने ही पर आपको समझित करूंगा। इसमें एक छोटी सी चर्चा आई रोपवेज के बारे में। अब रोपवे तो हम लोग बचपन से देखते हैं कहीं के बड़ा अच्छा होता है कि झूले पर चढ़ के कहीं पहुंच गए, और देश के प्रधानमंत्री के पास जामनगर में, जूनागढ़ में, गुजरात में गिरनार है, वहां अंबा देवी टेम्पल में जाने के लिए रोपवे लगा, जहां प्रत्येक दिन 8,000 लोग उस रोपवे से जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा समझा, और चाहे वो सबरीमाला का रोपवे हो, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर रोपवे हो, आज उन्होंने कहा कि 8 रोपवे बनाएंगे। लेकिन ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव विषय है। अगर केदारनाथ में उत्तराखंड की सरकार केदारनाथ जाने में जो 16 किलोमीटर का रास्ता था, जो ट्रैक करने में समय लगता था, वो 60 मिनट में हम उस रोपवे से पहुंच जाएंगे तो ना पहाड़ तोड़ा जाएगा, ना उत्सर्जन होगा कार्बन का, ना पर्यावरण का नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं आप वो छोड़ दीजिए, अगर लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के रोपवेज का, और जो गरीब क्षेत्र है, जो कमजोर क्षेत्र है, जहां सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता, जहां रास्ता नहीं है, वहां रोपवे तो पहली बार भारत के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने तय किया है कि अब हम रोपवे से जहां कोई नहीं पहुंच सकता है वहां पहुंचने का रोपवे से हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्यों नहीं सोचा अगले पिछले 100 साल में, और अब हम बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में, यह तो शुरुआत है। और आपको कोलंबिया में एक सिटी है जिसका नाम है मेडलेक्स। अब उस सिटी में इतना क्राइम था, जिस दिन से वहां, और एविडेंस है रिपोर्टेड कि जैसे ही उस शहर के ऊपर से रोपवे बना, उसका क्राइम इंडेक्स उस शहर का कम हो गया। मैं इसमें, लोग कहते हैं विजन का, देश के प्रधानमंत्री 15-25 साल नहीं सोचते हैं। मैं तो उनकी याद कराना चाहूंगा जिन लोगों ने देश में विजन दिया था। और देश में पहला डैम कब बना, और यह बना 150 AD, यानी कि 1900 साल पहले, और वो कहां बना, तमिलनाडु में बना, और चोला डायनेस्टी के समय तमिलनाडु में यह डैम बना, बताइए 1900 वर्ष पहले। और आज भी जो थांजावुर में, आज भी वो डैम कार्यरत है। सोचिए, जिसने उस दिन डैम बनाने की कल्पना की होगी, आज वो डैम फिर भी जीवित है और देश और दुनिया में डैम बनता है। बहुत दूर नहीं, राजस्थान के हमारे मित्र बैठे हुए, गंगा सागर किनारे महाराजा गंगा सिंह, 1925 में उन्होंने कहा कि ये रेगिस्तान है, इसको हम आबाद करेंगे। उन्होंने वहां पर गंगा सागर कैनाल बनाया और 1925 में शुरुआत की, और उस इलाके में जो भूखमरी थी वो समाप्त हुआ। ये तो दूरदृष्टि है, इरादा है, वो छोड़ दीजिए। भारत का जो अभी नेशनल हाईवेज की हम बात करते हैं, GT रोड, अब ये GT रोड NH-19 और NH-44 क्या था, एक याद कीजिए, ये उस समय का था जब कलकत्ता से काबुल तक एक ही सड़क था पूरे भारत में, और वो था नेशनल हाईवे, ग्रैंड ट्रंक उस समय कहा जाता था, जिसे GT रोड हम लोग बाद में कहते थे।
उसके बाद नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस रोड को बनाया। सोचिए कितना पुराना बात है। महाभारत में भी इसको उत्तर पथ की चर्चा की गई थी, ये था सड़क। और जीटी रोड रूडियार्ड किपलिंग ने क्या किया, रूडियार्ड किपलिंग, रूडी तो मैं यहां हूं, लेकिन रूडियार्ड किपलिंग ने कहा किया, और आप वो कब कहा, आज से 200-150 वर्ष पहले कहा, ट्रूली द ग्रैंड ट्रंक रोड इज अ वंडरफुल स्पेक्टिकल, इट रन स्ट्रेट विदाउट क्राउडिंग इंडिया ट्रैफिक फॉर 1500 माइल्स, सच अ रिवर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड विच इज नोवेयर इन द वर्ल्ड। ये रूडियार्ड किपलिंग ने, वहां की भी आ रहे हैं। आप पनामा कैनाल को देखिए, विजन देश के प्रधानमंत्री छोटा नहीं सोच रहे हैं। आप पनामा कैनाल को देख लीजिए जो 1904 में, और वहां से पनामा कैनाल से लिंक्स ऑफ अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन, एक छोटा सा कैनाल जिसने पनामा कैनाल निकाल दिया, तो पूरे दक्षिण की तरफ से जो अटलांटिक से हम लोग जाते थे उसका मार्ग छोटा हो गया। किसी ने तो सोच के बनाया ही होगा। विजन इसी को कहते हैं जो 100-200 यहां तो 25 साल की बात पर तो लोग हैरान हो रहे थे। देश के प्रधानमंत्री तो आने वाली पीढ़ियों के लिए और 100-1000 वर्ष के बारे में बात करते हैं। स्विस कैनाल, और स्विस कैनाल में एक जहाज फंस जाता है जिसका नाम एवर गिवन था, जो हर वर्ल्ड में सबसे बड़ा ट्रैफिक का स्रोत है, जो स्विस कैनाल इजिप्ट और मेडिटेरेनियन सी के बीच से रेड सी को जोड़ता है। एक दिन अगर बंद हो गया था, एक महीने तक बंद रहा, तो पूरे दुनिया का दाम बढ़ गया, भारत में आने वाली चीजों का सामान बढ़ गया। लेकिन वो विजन कैसा था जिसने वो स्विस कैनाल बनाया, तो देश के प्रधानमंत्री विजन के साथ चलते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप एयरपोर्ट्स की बात करें, अभी बहुत एयरपोर्ट्स की बात हो रही थी, मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, उन्होंने तय किया था कि भारत में हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बनाएंगे। और मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक्ट अमेंड किया गया, और आज जो आप दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट देख रहे हैं, या शमशाबाद या हैदराबाद देख रहे हैं, देवनाली देख रहे हैं, बैंगलोर देख रहे हैं, तो इसी सरकार के एक नेता ने तब प्रारंभ किया था, और आज देश में पूरे भारतवर्ष में, सौभाग्य से उस समय मैं इस देश का सिविल एविएशन मिनिस्टर था, मुझे मौका मिला इतना बड़ा रिफॉर्म्स करने का, और पूरे भारत में इसकी चित्र को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हम अभी भी कहाँ, आज दिल्ली एयरपोर्ट जो दुनिया में आज उसका स्थान 16वां है। अब चाइना में दिल्ली से बड़े 8 हवाई अड्डे हैं, अमेरिका में 9 है, अटलांटा दुनिया का सबसे बिजिएस्ट है। तो अगर हम कल्पना कर रहे हैं, और इसीलिए अगर जेवर बन रहा है, मोपा बन रहा है, और उसी श्रेणी में बिहार में मैं एक और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की मांग कर रहा हूं, मैं यहां उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 12 करोड़ की आबादी में देश की सरकार सहमत है कि बिहार में एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं राज्य सरकार की सहमति का, और जैसे ही राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होगी, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिहार में निर्मित होगा। लेकिन राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है, और इसी प्रकार से देश के विकास की हम बात कर सकते हैं। महोदय, मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसमें 32 बिलियन किस तरह से निवेश और कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश का और किसी देश का स्वरूप बदलता है। दुबई में आज $32 बिलियन का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, और वो 21% दुबई का एम्प्लॉयमेंट देता है और 27% उस देश का GDP। तो हवाई अड्डे के निर्माण से, और देश के प्रधानमंत्री इसी दिशा में सोचते हैं, और इस बार उन्होंने बहुत बड़ा, हमारे मित्र यहाँ कह रहे थे, और बार बार अधीर साहब ने भी कहा, और हमारे शिवसेना के मित्रों ने कहा, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट। मैं नहीं समझता हूँ कि देश की कोई इतनी सरकार मजबूत हो सकती थी कि एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट का काम कोविड के बाद भी उन्होंने पूरा कर दिया। कमाल है साहब, 20 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन का नुकसान, 600 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना, एक साल में 7000 करोड़, और पिछले 50 वर्षों में 77,000 करोड़ का नुकसान, और राजस्व का नुकसान। तो ताकत तो है ऐसी सरकार का जो निर्णय लेती है और कर दिखाती है। इसलिए मैं कहता हूं, हमें किसी और को कोसने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री किसी को कोसना नहीं चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतना जरूर करना चाहते हैं कि अपनी लकीर इतनी लंबी खींच देना चाहते हैं ताकि आपके सामने उनको किसी बात का परिणाम और परिश्रम करने की जरूरत ना पड़े। महोदय, मेरा समय सीमित है। आप कहते हैं कि पुराने चीजों को हम समाप्त कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट है ITER का, 2005 में हुआ, उस समय तो हम लोग नहीं थे, लेकिन ये एग्रीमेंट है देश दुनिया के 30 देशों का। दुनिया के 30 देशों का, हमारी सरकार नहीं थी। आप कहते हैं कि हम आप नहीं, बिल्कुल मैं ITER
वो हमारा सहमति का नहीं है, वो आपकी सरकार थी, आपने बनाया। और हाइड्रोजन फ्यूजन जिस दिन, और ये प्रोजेक्ट चल रहा है 30 देशों का, हम सब उसके पार्ट है। हमने तो समाप्त नहीं किया, क्योंकि वो विजन था, तब किसी नेतृत्व ने यह निर्णय लिया था कि जिस दिन भारत में हाइड्रोजन फ्यूजन हो जाएगा या दुनिया में ये साइंस प्रमाणित हो जाएगा तो पूरी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। ये बिजली का संकट, ये पेट्रोल का संकट, ये महंगाई का संकट, और उसके हम पार्टनर हैं। तो कभी देश के प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं देश के लिए अच्छी थी, हालांकि वो बहुत कम थी लेकिन देश के लिए अच्छी थी, उसको उन्होंने पूरा किया। इस प्रकार से निवेश की बात मैं और भी बहुत सारे विषयों पर कहना चाहूँगा, लेकिन महोदय मेरा समय सीमित है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट में एक विजन दिया है। निर्मला जी ने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, मैं सड़कों के बारे में और आगे बढ़ के नहीं बात करना चाहूँगा, मैं और विषयों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि पहली बार एक फ्यूचरिस्टिक, एक विजनरी, एक दूरगामी बजट को भारत की सरकार ने पेश किया, और मैं पूरी तौर से इस बजट का समर्थन करता हूं, और मैंने अपने समय का पूरा अनुपालन किया है। महोदय इसके लिए भी आप सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच राजीव प्रताप रूडी जी फॉर द इन्फॉर्मेटिव स्पीच। नेक्स्ट श्री अधीर रंजन चौधरी जी।